पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में 5 रनों से हरा दिया। 126 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम जेसन होल्डर की 46 रनों की तूफानी पारी के बावजूद 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 120 रन ही बना पाई। पंजाब के गेंदबाजों ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए 126 रनों के टारगेट को डिफेंड किया। टीम की ओर से रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। शमी ने 2 विकेट चटकाए तो वहीं बिश्नोई ने 3 विकेट लिए। प्लेइंग 11 में शानदार वापसी करते हुए अपने एक ही ओवर में रवि बिश्नोई ने 2 विकेट चटका दिए। हैदराबाद की पारी के 13वें ओवर में बिश्नोई ने केदार जाधव और अब्दुल समद को आउट कर हैदराबाद की टीम की कमर तोड़कर रख दी। इन 2 विकेटों से पहले उन्होंने मनीष पांडे को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया था। बता दें, रवि बिश्नोई लगातार प्लेइंग 11 से अंदर बाहर होते रहे हैं। पंजाब के पिछले मैच में जहां उसे हार झेलनी पड़ी थी, उस मैच में भी बिश्नोई को ना सिलेक्ट करने पर कुंबले पर सवाल उठे थे। आईपीएल 2021 के पहले चरण में भी पंजाब के पहले 4 मुकाबलों में उन्हें मौका नहीं दिया गया था और जब उनको मौका मिला उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। पर क्या आप जानते हैं कि आईपीएल ऑक्शन के दौरान बिश्नोई को बड़ी रकम में खरीदने के पीछे कुंबले का ही हाथ था। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2020 के ऑक्शन में बड़ा दांव लगाते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्टार रहे रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया था। बता दें, अंडर 19 वर्ल्ड कप में रवि टॉप विकेट टेकर थे। किसी ने कुंबले को बताया कि एक राजस्थानी लड़का ठीक आपके ही अंदाज में बॉलिंग करता है और आपसे सीखना भी चाहता है। कुंबले ने तभी साल 2020 के ऑक्शन में इस खिलाड़ी पर 2 करोड़ खर्च डाले। हर कोई हैरान था कि इतने छोटे से खिलाड़ी जिसने अभी तक कोई रणजी मैच नहीं खेला है उस पर कुंबले को इतना भरोसा कैसे हुआ, मगर बिश्नोई उम्मीदों पर खरे उतरे। कम उम्र में ही अपने प्रदर्शन के दम पर इस लेग स्पिनर ने कप्तान केएल राहुल और कोच अनिल कुंबले की तारीफें बटोरी थी। कुंबले को वो अपना आदर्श मानते हैं और उनके लिए पंजाब किंग्स में उनके साथ उन्होंने अपने खेल में काफी सुधार भी किया है, मगर ये सफर उनके लिए आसान नहीं था। बचपन से रवि अपने बड़े भाई के साथ हर रोज क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि वो अपने पिता के स्कूल से लौटने से पहले वापस आ जाएं। रवि के पिता सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। रवि जैसे बच्चों के लिए जोधपुर में शाहरुख पठान और प्रद्योत सिंह नाम के 2 दोस्तों ने एकेडमी खोलने का फैसला लिया। उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, ऐसे में उन्होंने किसी तरह एकेडमी बनाने की शुरुआत की। खर्च कम हो इसके लिए रवि और उनके साथियों ने खुद ही मजदूरी का काम करना शुरू किया। रवि कंधे पर सीमेंट का बैग लेकर एकेडमी पहुंचाते और पत्थर तोड़ते थे। मजदूरी करने से जो पैसा बचता था उससे एक्सपर्ट्स को बुलाकर पिच तैयार करने में मदद ली जाती थी। रवि के पिता उनके क्रिकेट खेलने के खिलाफ थे, लेकिन उनकी माँ को पता था कि बेटे का दिल क्रिकेट में है और वो इसी में कुछ करेगा, और इसीलिए रवि ने राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स के लिए अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा छोड़ दी। उन ट्रायल्स में वो रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो मेहनत करते रहे, मौके तलाशते रहे और फिर एक दिन जाकर पंजाब किंग्स के लिए वो 2 करोड़ के प्राइस में बिके। जब मौका मिला तो उन्होंने अच्छे से भुनाया भी और इसीलिए वो आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। न्यूज़ टेक ब्यूरो।